Hi everyone, आज finally वो दिन है जिस दिन का हमें इंतजार था. आज CA-IPCC May 2017 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जयपुर में 12 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है. कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंकर, आपकी ऑल इंडिया 13th रैंक आई है IPCC में. तो आपको कैसा लगा आफ्टर नोइंग योर रिजल्ट? बहुत अच्छी फीलिंग थी. एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि मेरा रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे मेरा रिजल्ट बताया. तो मेरे फादर एक्चुअली कहते हैं कि एक बार रुक जा, कंफर्म हो जाने दे रहे हैं, कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा मेरा फ्रेंड. तो फिर बाद में मेरे भैया थे, मैंने उनको बोला कि रोल नंबर से मेरा चेक करके दे दो. देन इस शोड कि मेरी AIR 13 आई है, तो फ्रेंड्स वगैरह बहुत खुश थे. मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, फादर ने, मेरे अंकल हैं, रिलेटिव्स वगैरह को बताया, सबके फ़ोन आने शुरू हो गए. फिर सर का फ़ोन आया था कोचिंग से, हम लोग इंस्टीट्यूट गए थे. तो इट वाज अ नाइस फीलिंग. प्रियंकर, ये बताओ कि यूजुअली आप पढ़ाई को कितना टाइम देते हो? पढ़ाई को टाइम एक्चुअली मेरा फोकस ही रहता था कि कंटेंट पे फोकस रहे, कि आपको कितना पढ़ना है. ये नहीं कि आपको एक घंटे पढ़ना है या दो घंटे पढ़ना है. जैसे कोचिंग के टाइम पर ये रहता था कि जब कोचिंग थी कि जैसे कोचिंग से हम लोग 5 o'clock अराउंड फ्री होते थे, तो फिर घर जाके कोचिंग में जो पढ़ाया उसका रिविजन हो गया, तो वो भी बहुत सफिशियंट होता है. प्रियंकर, आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आप अपनी सक्सेस के लिए किसको श्रेय देना चाहोगे और कौन आपकी इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे अंकल हैं, टीचर्स हैं. और जैसे मित्तल कॉमर्स क्लासेस में जो मनोज सर थे, उनके काफ़ी मोटिवेशन रहता. वो कॉल करके, टीचर्स जो थे एग्जाम के टाइम पे भी कॉल करके बोलते थे, मोटिवेट करते थे कैसे पढ़ना है. एंड ये तो रियल वर्ल्ड की बात हुई. रियल वर्ल्ड में अगर बात करूँ तो जो मेरे फेवरेट हैं वो MS धोनी हैं एक तो, और कपिल शर्मा हैं. वो मेरे इंस्पिरेशन हमेशा से रहे हैं. प्रियंकर, ये बताओ कि आपको इस दौरान किसने सबसे ज़्यादा गाइड किया कि आप ये लेवल अचीव कर पाए, और इस गाइडेंस के लिए आप किसको थैंक करना चाहोगे? मनोज सर हैं जो डायरेक्टर हैं MCC के, उनको थैंक करना चाहूँगा. वो स्टार्टिंग से उन लोगों ने हमें बता के रखा कि किस हिसाब से आपको स्टडी करना है. स्टडी की टेक्निक, एक प्लानिंग होती है जो स्टडी की, उन लोग हमें स्टार्टिंग से बताते थे कि आपका कोर्स जो है हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे, आपको 4 महीने 5 महीने का रिविजन का टाइम मिलेगा. तो इससे बहुत हेल्पफुल रहा था. फिर उन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट सीरीज आप दो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन करो. प्रियंकर, पढ़ाई को लेकर आपकी जो प्लानिंग थी और जिस हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन की, वो हमारे साथ शेयर करो. पढ़ाई की तैयारी एक्चुअली ये थी कि कोचिंग के टाइम पे तो जो स्कूल में, मतलब जैसे कि कोचिंग में होमवर्क जो दिया वो कर लिया, वो सफिशिएंट रहता है. उसके बाद हम लोगों का मेन फोकस ये था कि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स हो जाएँ. फिर उसके वजह से कि हमें अराउंड हमारे दिसंबर मिड में कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो हमें 4.5 months का रिवीजन टाइम मिला. उसमें नंबर ऑफ रिवीजन्स हैं, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे दिए, एक फोकस किया कि कितने घंटे पढ़ना, इस पर नहीं रहे कि कंटेंट पे फोकस रहे ज़्यादा, कि नंबर ऑफ रिवीजन्स है. स्टडी मटेरियल पे फोकस रहा, प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल. काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए. और एक ये भी रहता है कि काफ़ी बच्चे, एक एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक 8 घंटे या फिर 10 घंटे की पढ़ाई के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, यू नीड सम रेस्ट. तो उसके लिए आप सोशल मीडिया यूज़ करो. पर मेरा एक पर्सनली ये था कि अगर आप यूज़ करो तो सिर्फ एज अ ब्रेक यूज़ करो 15 मिनट्स का, ना कि पूरे टाइम उसी में लग गया. प्रियंकर, आप IPCC में अपेयर होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें. IPCC ऑफकोर्स CPT के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा टफ है. स्टार्टिंग से अगर आप प्लानिंग करके चलोगे, कोर्स कंप्लीशन सही से हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. टीचर्स की गाइडेंस टाइम टू टाइम अपने सीनियर से पूछते रहें कि आप कैसे पढ़ना है, आगे किस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, और जो टीचर्स बढ़ा रहे हैं उसको घर जाके एक बार रिवाइज जरूर. प्रियंकर, आपने IPCC के लिए मित्तल कॉमर्स क्लासेस ही क्यों चूज़ किया? IPCC के लिए मैंने मित्तल कॉमर्स क्लासेस चूज़ इसलिए करी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने CPT भी यहीं से दी थी, तो आई नो कि यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं. वो पर्सनली भी जाके आपको फ़ोन पे मैं क्वेश्चन पूछता था, इवन ड्यूरिंग द CPT. मेरे CPT में मेरा अच्छा स्कोर रहा था, वो भी यहाँ पे कोचिंग की वजह से ही रहा था. फिर मेरा फ्रेंड जो है, और जैसे मित्तल कॉमर्स क्लासेस के एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत आते हैं, तो वो एक फ्रेंड्स ने भी कहा था कि हाँ यार ये बहुत अच्छी है, तो ये एक रहा था. प्रियंकर, लास्टली मुझे ये बताओ कि ऐसी कोई बात है जो आप स्टूडेंट्स को कन्वे करना चाहते हो जो उनको एग्ज़ाम्स के टाइम ध्यान रखनी चाहिए? एग्ज़ाम्स जो अपेयर करने वाले हैं उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो 15 मिनट्स का जो आपको स्टडी टाइम मिलता है, जिस टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना होता है, तो वो 15 मिनट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आके जाके आपके जो 3 घंटे का पेपर है ना वो डिसाइड करते हैं. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहता है. सेकेंड, ये तो कई बार किसी स्टूडेंट का किसी रीज़न से कोई पेपर बाई चांस अच्छा नहीं भी हुआ, तो आपको ज़्यादा डीमोटिवेट या फिर कॉन्फिडेंस लूज़ करने की नीड नहीं है. आप आराम से उस नेक्स्ट पेपर में अच्छे से तैयारी करके अच्छे से कर सकते हैं. और ऐसा ही नहीं कि आप एग्ज़ाम्स के बीच में, जैसे ब्रेक बहुत कम मिलता है, एक ही दिन का ब्रेक होता है, तो पूरे टाइम पढ़ रहे हैं आप बीच में रिलैक्स भी कीजिए, एक प्रॉपर आवर्स, प्रॉपर स्लीप लीजिए 8 घंटे की. मैंने पर्सनली 10 बजे में सोता था और सुबह 4 बजे में उठ जाता था, ये मेरा खुद का रूटीन था पर्सनली.
तो ये चीज़ें हैं, इनसे आप अच्छे से मोटिवेट होकर अच्छे से एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है।